उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हमारे 10 जिला पंचायत के सदस्य बने, 25 हमारे जनपद के सदस्य बने, 100 से ज़्यादा हमारे सरपंच बने, लगभग 200 से भी ज़्यादा हमारे पंच बने। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी केवल शहरों तक सीमित ना होकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी इस समय आम आदमी पार्टी को ग्रामीण लोग भी चाहने लगे हैं, जन जन का व्यक्ति, क्योंकि ग्रामीण व्यक्ति जो होता है वो सही मायने में ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। और जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हमें इतनी बड़ी भारी सफलता मिली है और थोड़े से समय के अंदर सफलता मिली है, ये अपने आप में हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता का साथ, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी प्रकार से स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर हमने लगभग अपने 1550 कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें से हमारे 40 के करीब हमारे पार्षद जीते हैं, जिनमें से 25 के करीब 25 नगर पालिकाओं में, कुछ नगर परिषद में, 6 हमारे निगम के अंदर पार्षद जीते हैं। एक हमारी महापौर रानी अग्रवाल जी सिंगरौली से भारी बहुमत से जीती है, जिससे कि आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा से लगा हुआ इलाका जो सिंगरौली है, वहाँ से एक बिगुल बजा है और उस कोने से शुरू होकर यह बिगुल आगे आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसी प्रकार का आम आदमी पार्टी का राज्य साम्राज्य होगा। जनता चाहती है, बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के फेवर में थी, बदलाव चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से परेशान थी। लेकिन आम आदमी पार्टी, आपको पता है, सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी के पास कोई करोड़पति कैंडिडेट नहीं थे, आम आदमी पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेटों को जिताने के लिए धन बल का प्रयोग नहीं किया, हजारों करोड़ रुपया स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर नहीं फूका, जैसे कि दोनों पार्टियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों पार्टियों ने स्थानीय निकाय के चुनावों में जिस तरह से हजारों करोड़ रुपया अपनी नाक का सवाल बनाकर खर्च किया, हमारे काफ़ी प्रत्याशियों को परेशान भी किया गया, हमारे काफ़ी प्रत्याशियों के नॉमिनेशन भी रद्द किए गए, और तो और चुनाव जीतने के बाद भी हमारे प्रत्याशियों के साथ धमकियां देने का कार्य किया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत अशोभनीय बात है और बहुत शर्मनाक बात है। हमने स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर लगभग 6.3% वोट हासिल किया है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जब 2014 के अंदर हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हमारी पार्टी ने, हमें 1.67% वोट हमें मिला था पूरे मध्य प्रदेश में। 2018 के जो हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसके अंदर 0.9% वोट हमें मिला था। और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है, आज मध्य प्रदेश की जनता ने हमें स्वीकार करना शुरू किया, आज हमें स्थानीय निकाय के चुनाव में 6.3% वोट मिला है, जो अपने आप में दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार धीरे धीरे इस प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी को जनता स्वीकार करने लगी है और जल्द ही आगे आने वाले चुनाव के अंदर जो आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं, और जिस प्रकार से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में, पंजाब में कार्य कर रही है, आगे आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी और खासतौर से मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से जनाधार बढ़ेगा, जनता का सहयोग मिलेगा और हम 2023 के चुनाव के अंदर पूरी जी जान के साथ 230 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और भारी बहुमत से हमें आशा है कि जनता बदलाव चाहती है, बदलाव जब जनता चाहती है तो कुछ नहीं बिगड़ता, जनता पूरा सहयोग देती है। मैं आपकी जानकारी में लाऊंगा, रानी अग्रवाल जी तो जीती हैं, ग्वालियर से जो हमारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रुचि गुप्ता थी, लगभग 8% वोट लेके आई है वहाँ। हमारे रीवा से जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो भी 8% वोट लेके आए हैं। देवास से हमारी प्रत्याशी थी चाना ज्ञानेश जी, वो भी 6% के करीब वोट लेके आए हैं। तो हमारे
काफ़ी प्रत्याशियों ने अच्छा काम किया, बहुत कम समय के अंदर किया, सीमित साधन होने के बावजूद किया। हमारे हम इस चीज़ को भी मानते हैं कि अभी हमारा पूरा संगठन का विस्तार पूरे तरीके से नहीं हुआ है और हम अब आगे आने वाले समय के अंदर अपने संगठन का विस्तार भी बहुत तेज़ी के साथ करेंगे। और जब निश्चित तौर पर हर बूथ के अंदर, हर ग्राम के अंदर, हर शहर के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर विधानसभा के अंदर हमारा संगठन मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर जनता हमारा साथ देना चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। हम अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे, जनता का भी साथ लेंगे और निश्चित तौर पर हम 2030 के अंदर और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विकल्प बन के मध्य प्रदेश को दिखाएंगे। और जो जनता बदलाव चाहती है उसकी जनता की आकांक्षाओं के ऊपर खड़ा होने का प्रयास करेंगे, खरा उतरने का प्रयास करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी ने अच्छा काम किया, विफलता कहाँ मिली है, कहाँ लग रहा है? विफलता हमारी पार्टियाँ नीतियों पर चलती है, हमारी पार्टियाँ करोड़पति लोगों को टिकट नहीं देती है, हमारी पार्टियों के पास सरकार नहीं थी, सत्ता नहीं थी। यहाँ इस तरह के हालात पैदा हुए। हमने भोपाल के अंदर महापौर का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आया और उसने आम आदमी पार्टी का नॉमिनेशन भरा। बता तो रहा हूँ ना, वही आप मेरी पहले पूरी बात तो सुन ले। यहाँ के एक मंत्री ने उनके रेट डलवा दी, उनका जीना आराम कर दिया, दो रात तक उन्हें सोने नहीं दिया, मजबूरी में उन्हें अपना नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा। ये दबाव की राजनीति, ये इस तरह का गुंडा राज है इस मध्य प्रदेश के अंदर। अपनी मर्जी से वो जो व्यक्ति आया होगा अपनी मर्जी से नॉमिनेशन किया होगा उसने, हमने तो कोई जबरदस्ती पकड़ के लाए नहीं थे। यही प्रेस वार्ता के अंदर ही आप लोगों की उपस्थिति के अंदर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, आपकी उपस्थिति के अंदर उन्होंने अपने शब्द भी रखे थे। लेकिन इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, इस तरह से सत्ता के लिए हर जगह जगह लोगों को परेशान करते हैं कि वहीं का एग्जाम्पल नहीं है, हर जगह पे इन्होंने गुंडागर्दी का नंगा नाच किया है। सत्ता पक्ष के लोग तो है ही हैं, सत्ता पक्ष ने सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे अधिकारियों को इस काम में लगा रखा था कि किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियाँ, कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी, नहीं चाहती थी कि मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी किसी तरह से शामिल हो या इसकी उपस्थिति दर्ज हो। इसलिए दोनों पार्टियों ने ताकत लगा रखी थी कि आपस में चाहे मिल लो लेकिन आम आदमी पार्टी को दूर रखो। लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा करके दिखाया, अपनी एक महापौर प्रत्याशी लाए हैं, उसके अलावा हमने 40 पार्षद जिताए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि हमारे 86 पार्षद दूसरे नंबर पर रहे हैं। हमने 1550 कैंडिडेट अपने प्रत्याशी लड़वाए, 86 प्रत्याशी हमारे दूसरे नंबर पे रहे और हमारे 40 प्रत्याशी जीते और कुछ प्रत्याशी हमारे 2-4 वोटों से तीसरे नंबर पे रहे। तो लगभग 10% प्रत्याशी हमारे सीधे सीधे दौड़ में थे, ना हमारे पे सीमित साधन थे, हमारे पे इतने संसाधन नहीं थे। एक हमारी पार्टी की तैयारियाँ भी, क्योंकि सरकार ने भ्रम में रख रखा था लोगों को, ये आशा नहीं थी कि निकाय के चुनाव ये इतनी जल्दबाजी में करा देंगे। लोगों को आशा थी ये चुनाव सितंबर में, अक्टूबर में जाके होंगे, या सब पत्रकार बंधुओं को भी पता है। लेकिन सरकार ने दाव खेला और तुरंत फुरंत आनन फानन के अंदर चुनाव डिक्लेयर करा दिए। तो हमारे आम आदमी पार्टी को, हमारे को पूरी तैयारी करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी अपनी गुंडागर्दी कर ले, चाहे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल ले, आम आदमी पार्टी की उपस्थिति मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज हो गई है और आगे आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी या जनता जो बदलाव चाहती है उसकी आकांक्षा पे खड़ी उतरेंगी, उनके विश्वास को ठेस नहीं लगने देगी और मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव होके रहेगा। ये आम मध्य प्रदेश की जनता का विचार है।